लास्ट डे आई थिंक शूट ऑफ गोलमाल 3 द फर्स्ट डे ऑफ गोलमाल 4 ऐसा लग रहा था बस एक ही दिन हुआ है महाभारत के पांच पांडव साथ आ गए वापस दैट्स हाउ इट वेंट इट वेंट अमेजिंग बिकॉज़ ऑब्वियसली इट्स अ सेट ग्रुप इट्स यू नो अ सेट फ्रेंडशिप इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर एंटरिंग अ न्यू गैंग बट I keep telling these guys also I was starstruck on the first day because there were so many huge stars and the famous Golmaal gang together and I wondered if you know it would go well, what would happen, I was nervous but they are all so friendly, they are all so amazing, such nice people that it took like 5 minutes for me to just you know enter that gang and till today we all have a blast working together. How is the story going to work? How is my character going to look? You know that that's been taken care of. You're just there to have fun, enjoy yourself, and just bring life to all those lines and all those scenes that the writers are so beautifully written. And it is always a bittersweet experience when it comes to an end because you're excited about watching the end product and what you've done, but you know that you're going to miss the whole experience of being a part of such a wonderful crew. And the whole time that you spend together is amazing. गोलमाल के सेट पे आपको दोबारा बच्चा बनने का मौका मिलता है आपको पता है कि सारे यार दोस्त हैं कोई आपको वहाँ पे जज नहीं करेगा यू नो आप जो चाहे वो बिंदास बोल सकते हो कर सकते हो सो आई गेस मस्ती करते हैं सारे लोग और बहुत कम लोग हैं इंडस्ट्री में जिनके साथ आप इतना खुल के बिंदास काम कर सकते हो और ये उन कुछ लोगों में से मेरे यार दोस्त है जिनके साथ काम करके बार बार काम करके बड़ा मजा आता है इस गोलमाल टीम में अपने आप को कितना एडजस्ट किया ये सारे पूरे गोलमाल टीम है जो 1, 2, 3 वो जो अभी तक आई है दिल्ली जी आपको क्या लगता है इस टीम के साथ कितना एडजस्ट कर पाए आप इस फिल्म में जी मेरा मैं आप ही जो मैंने सबसे पहले बात कही थी वो यही थी कि ये लोग भी गोलमाल टीम है और मैं बहुत नर्वस थी पहले दिन लेकिन ये लोग वाकई में बहुत ही फ्रेंडली और बहुत अच्छे लोग हैं तो मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगा सबसे ज्यादा नर्वस किसने किया सबसे ज्यादा नर्वस किसने किया एक्चुअली ऑब्वियसली वो पता था ना बाबा इसीलिए तो पूछा अब नाम आ रहा है तो सामने पूरा सुन लिया जाए ऑब्वियसली अजय सर और रोहित सर से पहले दिन जब मैं उनको नहीं जानती थी तो मुझे लगा कि शायद उनसे डरना चाहिए क्योंकि वो सीनियर्स हैं लेकिन एक्चुअली वो दोनों ही सबसे ज्यादा यू नो हंसी मजाक करते हैं उन लोगों ने मुझे सबसे पहले कंफर्टेबल किया फिल्म में आपको कुछ स्पेशल आप ही होता है हर आप ही हमेशा जैकपॉट ले जाते हैं तो इसमें कुछ क्या बता सकते हैं इसमें लड़की ना मतलब प्रॉपर्टी मुझे आवाज मिल जाती है इस वाली फिल्म में सो दैट इज द जैकपॉट कॉमेडी ड्रामा रोमांस एक्शन म्यूजिक कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर लेकर आ रहे हैं सो वही सबसे बड़ा यूएसपी इस फिल्म का जो भूत वाला एलिमेंट है ये मैं बताना चाहता हूँ कि वो भूत हमारे कैरेक्टर्स को डराता है जिस डर के वजह से लोग इवेंचुअली हंसते ही हैं सो ऐसा नहीं है कि इसमें हम कुछ डराने की बढ़ाने की कोशिश करते हैं लोग जैसे पहले गोलमाल में हंसे थे इस गोलमाल में भी उतना ही उससे ज्यादा हंसे हैं गोलमाल में आपका किरदार किस तरह का है कुछ इसके बारे में पता है देखिए गोलमाल में आई थिंक मेरा एक ही किरदार है जो सीरियस है बाकी सब तो आपको मालूम है क्या करते आए हैं पिछले 3 इंस्टॉलमेंट से तो मैं तो बड़ी सीधी साधी होली वाली हूँ फिल्म में जो 3 गोलमाल मानो हमारी पूरी बेइज्जती की है इस बार रोहित अमला तब्बू को लाते हैं थोड़ी इज्जत बढ़ जाएगी